तेलमोचो गांव के रहने वाले किशुन महतो तेलमोचो जलापूर्ति फिल्टर प्लांट में सन 1997 से सिविल विभाग में अस्थायी रूप से कीमेन का काम कर रहे हैं। इनका मानदेय पिछले 14 महीने से नहीं मिला है, जिसके कारण इन्हें और इनके परिवार को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कीमेन का काम करते हैं, चाबी मेन का जो पानी यहाँ से जाता है उसको पानी को खोल के बदलते हैं। काम करते हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिक्कत मतलब पैसा का है, बहुत हेवी मतलब पैसा समय पर नहीं मिलता है। अभी करीबन 12 महीना से भी ऊपर एगो पैसा हम लोग का विभाग की यहाँ पड़ल है, उसमें हम लोग DC तक पटेल तक मंत्री थे उनको भी लिख के दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। जैसे विभाग अभी मुखिया को दे दिए हैं तो मुखिया भी मतलब पूरा इन्हें किए हैं, उसमें भी 7 महीना का पैसा भी रुकल है। 7 महीना से भी मतलब 7 महीना से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मान के चलिए 7 महीना। आपको पैसा नहीं मिल रहा है, इसके कारण क्या क्या दिक्कत होती है आपको? पारिवारिक दिक्कत बहुत कुछ होता है, जैसे बच्चा को आगे पढ़ाना नहीं पढ़ा सके, बच्ची को अच्छे घर में शादी देना नहीं देने सके, यही सब। और क्या, पहले हम लोग स्कूटी को दिए दरख्वास्त, सर इतना रोज से हम लोग काम किए हुए हैं, हम लोग को पैसा नहीं मिला है, दरख्वास्त दिए। उसका बाद फिर 4-5 महीना के बाद हम लोग DC के यहाँ भी गए, कल ही मेरा साथ था, हम उनके भी साथ गए, और वहाँ के जाने के बाद आगे भी बढ़े। आज पेयजल विभाग के मंत्री है पटेल जी, उनके यहाँ भी गए, मांडू से होके नेपाल हाउस तक गए। हम लोग इतना रोज से काम किए हैं, कम से कम झारखंड में हम लोग को जगह दिया जाए, पेयजल विभाग में खाली जगह पर हम लोग काम करिए रहे हैं। तो देखिए अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कहाँ से सुनवाई होगा, कैसे सुनवाई होगा, आप जाने। अब तो मतलब कहीं से हम लोग को कुछ पता ही नहीं लग रहा है। ऐसे मान लीजिए 12 महीना से ऊपर खटे हैं, वो पैसा अभी तक हाथ में नहीं आया हुआ है, करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया वो पैसा। आगे अब देखिए मान लो पेयजल मंत्री तक गए, DC तक गए हैं, इसका बावजूद अभी तक हाथ में पैसा नहीं आया है, आप कहाँ जाएंगे? पैसा के अभाव से मान लीजिए पैसा की कमी है तो आप अदालत तक भी नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए तेलमोचो से धनवा जाएंगे तो 20-40 रुपया भाड़ा है, प्लस वकील खर्चा है, ये सब कहाँ से जुगाड़ होगा? मैंने यह वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि किशुन महतो एक गरीब व्यक्ति हैं और इनके परिवार का भरण पोषण इनकी मजदूरी से होता है, इसलिए मैं चाहती हूं कि इनका बकाया मानदेय जल्द से जल्द मिले। इसके लिए मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करती हूं कि आप PhD के सिविल स्कूटी इंजीनियर धनबाद के श्री सुशील कुमार को संपर्क नंबर 9431-16-81-51 पर फोन कर अविलंब दबाव बनाएं और किशुन महतो की मदद करें। मैं भारती, तेलमुचो, बागमारा, धनबाद, झारखंड से इंडिया अनहद के लिए।